नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सिनेमा सॉफ्टवेयर के सभी फीचर्स और उसके वर्किंग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मास्टर में क्या क्या ऑप्शन है ये देख लेते हैं। मास्टर में आपका कंपनी डिटेल्स, क्लास, सीट कलर, शो टाइम, क्लास प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटर का डिटेल्स, स्टाफ का डिटेल्स, ये सब एंट्री आप यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं शो टाइम का। शो टाइम यानी कि इसमें 5 शो टाइम का आपका दिया हुआ है, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लास प्राइस। पहला रिकॉर्ड पेज है आपका। न्यू क्लास करके नए क्लास का प्राइस ऐड कर सकते हैं। जैसे प्लेटिनम का आपका एक ऐड है, लेकिन ये बता रहा हूँ आपको, टिकट प्राइस हमारा पड़ रहा है मान लीजिए 150 रुपये प्लेटिनम क्लास का। उसमें सर्विस चार्ज हमारा 10 रुपये है। सर्विस चार्ज के ऊपर कितना टैक्स पड़ रहा है वो हम यहाँ पे नोट कर लिए। उसके बाद आपका CGST टैक्स कितना पड़ रहा है ये हमने यहाँ पे लिख लिया। SGST टैक्स कितना पड़ रही है लास्ट में हम इसको सेव कर लेंगे। ये देखिए एक मैंने सेव करके रखा हुआ है। एडिट करके अगर मेरे को प्राइस चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए सेव। इस तरीके से आप क्लास प्राइस ऐड कर सकते हैं, सभी का हम जब चाहें चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का डिटेल्स, यानी कि हमने किस किस से मूवी लिया हुआ है। हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर, एड्रेस, उनका डिटेल्स अगर नोट करना चाहते रख सकते हैं। बाकी मैंडेट आपका नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस बस है, देन सेव कर सकते हैं। कुछ मैंने ऐसे ही ऐड किया हुआ है। चेंज करने के लिए राइट साइड में एडिट ऑप्शन आपको मिल जाएगी एक्शन कॉलम पे। इसके बाद आपका है स्टाफ का डिटेल्स, जितने भी स्टाफ आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनका पूरा डिटेल्स यहाँ पर रख सकते हैं। न्यू स्टाफ करेंगे, ये स्टाफ का नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, उनके स्टेटस यानी कि लाइव है कि लेफ्ट कर चुके हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ, पोजीशन, ईमेल आईडी, डेट ऑफ जॉइनिंग, और आईडी प्रूफ में आप उनसे ये सब में से क्या ले रहे हैं। जैसे आधार नंबर लिए हैं, आधार नंबर यहाँ पे नोट करके रख सकते हैं, और उनका सैलरी अमाउंट पर डे कितना पड़ रहा है आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, देन सेव। अभी हमने इसमें क्लास प्राइस, शो टाइम, डिस्ट्रीब्यूटर डिटेल्स और स्टाफ डिटेल्स देख लिया। उसके बाद मेन हमारा आता है एंट्री मूवीज़ का, कि हमारा मूवी कब से कब तक चलेगा, मूवी का नाम क्या है, ये सब। मूवी का नेम यहाँ पे नोट किया, लैंग्वेज कौन से लैंग्वेज का है, फ्रॉम डेट टू टू डेट किस दिन से किस दिन तक चलेगा आपका, कौन डिस्ट्रीब्यूटर था, अगर यहाँ पे नहीं है तो आप ऐड करने के लिए प्लस बटन का यूज़ कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का डिटेल्स ओपन हो जाएगा। मूवी परसेंट कितना परसेंट आपको मिलेगा यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक और फंक्शन है, शो शो टाइम के हिसाब से आप प्राइस चेंज कर सकते हैं हर एक क्लास का। यहाँ पे हमारा था मास्टर में क्लास प्राइस डायरेक्ट डाल सकते हैं, वहाँ पे जो डालेंगे यहाँ पे बेसिक डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। और आप चाहते हैं जैसे मेरे को सुबह 9 बजे के शो में प्लेटिनम क्लास को 150 रुपये रखना है जी, और बाकी सब एज इट इज़ रहने देख सकते हैं। और रात के 9 बजे का मेरे को 200 करना है। जिस क्लास का जिस टाइम भी आप चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव कर लेंगे। जी, जैसा मैंने एक हफ्ते का डाला इसमें,
डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है इसी को कर देते हैं अभी, इसका लास्ट में आके आप सेव कर सकते हैं। ये हमारा आ गया। अगर मुझे चेंज करना है एडिट करके जो डिटेल्स, मेरे को मान लीजिए टिकट प्राइस चेंज करना है कि ये नेम में कुछ गड़बड़ है ये चेंज करना है, तो हम यहाँ से चेंज करके लास्ट में सेव कर सकते हैं। ये हमारा हो गया मूवी रिकॉर्ड एंट्री करने का। उसके बाद है हमारा मेन काम टिकट बुकिंग का, न्यू टिकट बुकिंग। अब यहाँ पे हमारा आज का डेट, करेंट डेट यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा, मूवी का नाम, कौन सा मूवी भी चल रहा है, मान लीजिए एक दिन पे दो मूवी हम चला रहे हैं तो कौन सा मूवी हम सेलेक्ट करेंगे, जिस शो टाइम में एक मूवी सेलेक्ट हो जाएगा दोबारा और दूसरे शो टाइम पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जैसे 12 बजे का शो भी हमारा चलने वाला है। अब इसमें हमारा सीट्स वैकेंट दिखा रहे हैं, सब खाली हैं। देखिए यहाँ पे आपका टोटल शो अमाउंट, यानी कि शो में हमारा कितना अमाउंट बना, टोटल टोटल ऑडियंस, टोटल रिसीवेबल अमाउंट। यहाँ पे देखिए प्लेटिनम क्लास का है, प्लेटिनम क्लास के अंदर ABC, डायमंड क्लास के अंदर DEFG, गोल्डन के अंदर HIJK, सिल्वर के अंदर LMN। उसका सबका प्राइस भी लिखा हुआ है, 180, 180, 60 रुपये। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सेलेक्टेड सीट्स, मान लीजिए मैं यहाँ पे दो सीट सेलेक्ट करता हूँ तो ये आपका काउंट करते रहेगा कितना सीट हमने सेलेक्ट किया करके, और उसके हिसाब से कितना प्राइस हुआ। ये लास्ट में फिर जैसे सीट सेलेक्ट करने के बाद हमें टिकट सोल्ड करना है, सोल्ड पे क्लिक किए। यहाँ पे आपको पूछता है हाउसफुल 4 का 30 तारीख का 12 बजे शो का A5, A6, A7, A8 ये सीट आप सोल्ड करना चाहते हैं क्या, यस करेंगे, कंफर्मेशन मैसेज आएगा आपके पास, देन आप प्रिंट निकाल के देख सकते हैं। हम प्रीव्यू चेक कर लेते हैं, ये इस तरीके से आप प्रीव्यूज में निकाल सकते हैं, दो है, फ्रंट में पूरा डिटेल से टर्म एंड कंडीशन के साथ, सेकंड में है आपका सिर्फ सीट का डिटेल्स, A5, A6, A7, A8, टोटल 720 रुपये, प्लेटिनम क्लास का 4 टिकट, कौन सा डेट है, कौन से शो टाइम के लिए है, ये सब पूरा डिटेल्स लास्ट में आप प्रिंट निकाल के उनको दे सकते हैं। जैसे आपका टिकट सोल्ड हो जाता है तो ये सीट्स का कलर ग्रीन हो जाएगा आपका और ये क्लिकेबल नहीं रहेगा। और ऑप्शंस है, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, हमारा 12, 13, 14 ये 3 सीट जो है बुक माई शो के थ्रू बुक है, तो बुक माई शो किया, यस किए, ओके किए, प्रीव्यू में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें सेल इसमें लिखा जाता है बुक माई शो के यहाँ करके, ठीक है, तो जब टिकट चेक करेंगे तो समय आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा कि कौन से शो का है करके, कहाँ से बुक है, बुक माई शो से है कि टिकट काउंटर से डायरेक्ट बुक है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। यह आपका वायलेट कलर का हो जाएगा, बुक माई शो का है। और एक और है प्री बुक का ऑप्शन, यानी कि कोई आपको फ़ोन पे बोलता है सर हमारा 3 टिकट बुक करके रख दीजिए, रमेश नाम से, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख लीजिएगा और एड्रेस कहाँ के हैं, उसके बाद सेव कर लीजिएगा, ये ओके प्लस, ये आपका येलो कलर का हो जाएगा, सॉरी ऑरेंज कलर का हो जाएगा। और इस पर जैसे ही कर्सर ले जाएंगे, माउस ले जाएंगे, तो ये आपको शो करेगा किसके नाम से बुक है, नंबर ऑफ सिलेक्टेड सीट्स, उनका मोबाइल नंबर, एड्रेस कहाँ के हैं। तो जब भी वो मान लीजिए फिर से आते हैं आपके पास पैसा दे के टिकट लेने के लिए, तो इस प्री बुक सीट्स पे आप क्लिक करके इसको सोल्ड कर सकते हैं। आप प्रिंट निकाल के दे सकते हैं इस सीट्स में, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है प्री बुक डेट कब का था, मान लीजिए 2 दिन पहले से बुक किए हुए हैं तो यहाँ पे प्री बुक डेट, और किस कौन से डेट का आपका मूवी का टाइम है ये वाला, ठीक है। चाहे तो मान लीजिए कोई सीट हमें कैंसिल करनी है, प्री बुक हमने किया हुआ है, सेम नाम फिर से लिख लेते हैं,
स्टूडेंट्स हैं तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कैंसिल कर, ये हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए सीट फिर से वैकेंट हो गया आपका। इस तरीके से आप टिकट को सोल्ड कर सकते हैं, रीबुक कर सकते हैं, बुक माई शो का कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन है आपका अनसोल्ड का। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें चार सीट बुक किया है और उन्होंने बोला कि एक सीट मुझे कम करना है, तो मुझे अनसोल्ड करना पड़ेगा एक टिकट। अनसोल्ड पे गए, मूवी का नाम डेट शो टाइम सेलेक्ट करके शो पे क्लिक किया। यहाँ पे देखिए उस शो में कितना सारा टिकट बुक्ड है, यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा सभी का। फिर हमने जिसको अनसोल्ड करना है उसको सेलेक्ट किया, अनसोल्ड बटन पे क्लिक किया, यस। यहाँ पे एडमिन का ऑथराइजेशन पूछेगा जी, ताकि कोई भी दूसरे सीट्स का अनसोल्ड ना कर सके। ये आपका अनसोल्ड हो गया, यानी कि फिर से सीट अवेलेबल हो गया हमें सोल्ड करने के लिए, ठीक है। और यहाँ देखिए तीन ऑप्शंस और हैं, बीएमएस रिकॉर्ड यानी कि बुक माई शो के थ्रू जितना सारा बुक हुआ है उसका रिकॉर्ड आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं बीएमएस रिकॉर्ड में। ये देखिए 12, 13, 14 बी ओ का हमने सोल्ड किया। मान लीजिए मुझे फिर से प्रिंट देना है, उन्होंने प्रिंट ठीक से नहीं निकल पाया करके, यहाँ से फिर से आप प्रिंट निकाल के दे सकते हैं उन्हें। उसके बाद है सीट लिस्ट अमाउंट, यानी कि कौन सा सीट कितने रुपए में बिका है, उसका सोल्ड टाइम क्या था, ये सब पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए जैसे ये वाला सीट हमने अनसोल्ड किया है A8, तो उसका स्टेटस हमें शो करेगा ये सीट हमने अनसोल्ड किया है करके, ताकि अगर कोई बोलता है कि ये सीट हमारा दो पर्सन आते हैं और बोलेगा कि ये सीट हमें अलॉट हुआ है करके, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि ये सीट आपने अनसोल्ड कराया था, ये सीट दूसरे का अलॉट हुआ है करके। और आप इससे पूरा चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद है बुक द टिकट हिस्ट्री, यानी कि कौन सा सीट कितने टाइम पे, जैसे A5, A6, A7 और इसके साथ A8 भी था जिसको हमने अनसोल्ड किया है, तो ये चारों एक साथ हुआ था सोल्ड, तो आप यहाँ से फिर से उनको प्रिंट निकाल के दे सकते हैं और पुराना जो टिकट है उनका फाड़ सकते हैं। इसमें देखिए हमारा बुक माई शो का तीन टिकट बुक है, तो प्लेटिनम बुक माई शो अमाउंट 540 रुपये 18180 रुपये के हिसाब से तीन टिकट बुक हुआ है और टोटल हमारा 1620 रुपये 3369 सीट्स का यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ देखिए टोटल रिसीवेबल अमाउंट यानी कि बुक माई शो का डायरेक्ट अकाउंट पे आता है, तो उसका माइनस करके यहाँ पे शो करेगा। टोटल हमारा शो का अमाउंट हुआ अभी तक का 1620 रुपये, उसमें से 1080 रुपये हमारे पास हमारे गले में है, ठीक है। इस तरह से आप टिकट बुकिंग पूरा कर सकते हैं इसका। यहाँ से आप पूरा चेक कर सकते हैं, जैसे बैक डेट का रिकॉर्ड आपको चेक करना है तो यहाँ से ये देखिए हमारा सोल्ड कितना टिकट सोल्ड हुआ था ये, और कितना बुक माई शो के थ्रू हुआ था, हम पूरा चेक कर सकते हैं इसको। आपका डिलीट का भी ऑप्शन है, मान लीजिए मेरे को इस शो का रिकॉर्ड डिलीट करना है, गलत शो का टाइम पे गलत टिकट बुक हो गया, तो यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद है आपका डिस्ट्रीब्यूटर का रिकॉर्ड, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर रिकॉर्ड। अब यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का पहले नेम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कौन से मूवी के लिए है, मिनिमम गारंटी हमें उस मूवी में कितना मिला था, जिसे हमने यहाँ पे नोट किया, एडवांस उस समय एडवांस कितना दिया हुआ था वो यहाँ पे नोट करना है, जैसे 10,000 हमने एडवांस दिया था। उसके बाद अगर ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू हुआ है तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी उसका नोट कर सकते हैं। मूवी कंप्लीट होने के बाद DCR हमारा सेल्फ कितना बना, 35,000 का बना है और डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से आया 40,000 का, हमने यहाँ पे नोट कर लिया। और उसमें उन्होंने कितना GST दिया है, ठीक है, तो टोटल ऐड होके हमारा ये आ गया। हमारा बैलेंस दिखा रहा है 31,500 क्योंकि हमने 10,000 एडवांस दिया था। अब इस डेट को हमने बाकी पे किया
31st को पे किया, कितना अमाउंट 21,500। उसका ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे लिख लेंगे, देन इस तरीके से आप पूरा यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। और रिकॉर्ड्स में कुछ गड़बड़ हो तो आप यहाँ पे अमाउंट से रिलेटेड तो चेंज कर सकते हैं, चेंज अमाउंट, डेट, कितना है जीएसटी लगा था, डिस्ट्रीब्यूटर का रिकॉर्ड, पेड अमाउंट, ट्रांजेक्शन आईडी का बाद में नोट करना है तो वो भी नोट करके रख सकते हैं लास्ट में। उसके बाद है आपका पार्किंग का रिकॉर्ड, यानी कि पर शो टाइम, मूवी का नाम, शो टाइम, उस शो में कितने साइकिल्स हैं, मान लीजिए 25 साइकिल हैं, साइकिल का पार्किंग चार्ज 10 रुपये है, टोटल अमाउंट ऐसा हो गया, टोटल बाइक्स आए 30, बाइक का पार्किंग चार्ज हमारा 20 रुपये, टोटल कार्स आए 10, उसका चार्ज है हमारा 30 रुपये। ये टोटल पार्किंग का अमाउंट हमारा हुआ इस शो में 1,150 रुपये। देन हम सकते हैं फिर इसमें से कुछ अगर हमें चेंज करना है तो लास्ट में आपको एडिट ऑप्शन मिल जाएगा, साइकिल का चार्ज, टोटल साइकिल चेंज करना है, टोटल बाइक चेंज करना है, टोटल कार चेंज करना है, आप यहाँ पे चेंज करके लास्ट में सेव। उसके बाद है आपका कैंटीन का रिकॉर्ड, तो सबसे पहले हम नोट करते हैं हमारे कितने सारे मटेरियल्स हैं, ठीक है, जैसे हमने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक्स, सौ एम एल का कितना रुपये पड़ेगा, 15 रुपये है, इस तरीके से आप जितने भी मटेरियल्स होंगे सबको नोट कर सकते हैं। उसके बाद आप कैंटीन का रिकॉर्ड ऐड करना स्टार्ट कर देंगे, कौन सा डेट है, कौन सा मूवी के टाइम पे हो रहा है, ठीक है, जैसे इसको हमने पहले परचेस करके रखा था तो 4 क्वांटिटी शो कर रहा है, आज के डेट पे कितना परचेस है, यहाँ पे वो नोट के लिए डेट पे टोटल कितना सोल्ड हुआ है 21, टोटल रिमेनिंग क्वांटिटी हमारा 3, टोटल पहले से था 4, 20 और हमने किया, 21 सोल्ड हुआ, 3 हमारे पास बचा, 15 रुपये के हिसाब से 315 रुपये हुआ। इसको हमने 50 पीस परचेस किया उसमें से हमारा 12 पीस सोल्ड हुआ, ठीक है, पॉपकॉर्न को हमने 30 किया उसमें से 20 सोल्ड हुआ, इस तरीके से आप यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड करके रख सकते हैं, ये देखिए। और इसमें से कुछ डिटेल्स अगर चेंज करना है तो एडिट पे जाके आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है आपका एक्सपेंस, पे, रिसीव, ये सब का रिकॉर्ड रखने के लिए न्यू पे क्लिक किए, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे कि किस में का आप कर रहे हैं, एक्सपेंस का कर रहे हैं कि नॉर्मल पे का कर रहे हैं कि रिसीव का कर रहे हैं, सबसे पहले चेक कर लेते हैं एक्सपेंस के लिए किस मूवी के टाइम पे एक्सपेंस हुआ है, कैटेगरी के अंदर आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टाफ के लिए हुआ है, एजेंट के लिए, बिल, डीजल, पेट्रोल, मंथली रेंट या फिर अदर के लिए, जैसे हमने बिल सेलेक्ट किया। उसके बाद नेम में उस किसके लिए बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे नोट कर लेते हैं, मोबाइल नंबर ब्लैंक छोड़ सकते हैं, फ्रॉम डेट टू डेट जैसे आज के डेट पे ही है बस, या फिर अगर मंथली बिल है तो मंथली यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा पेड अमाउंट कितना है, 20,000 सेव, ठीक, ये हमारा एक्सपेंस है। उसके बाद हम पे भी कर सकते हैं, पे के टाइम पे आपको मूवी नेम, कैटेगरी, फ्रॉम डेट टू डेट ये आपका डिसेबल हो जाएगा, डेट आप सेलेक्ट करेंगे किस डेट का पे है, नेम किसके लिए पे किए हैं, कितना अमाउंट दिए हैं 1200, डिस्क्रिप्शन में किस लिए दिए हैं आप उसको नोट कर सकते हैं। फॉर कंस्ट्रक्शन सेव कर लिया, उसके बाद आपका आएगा रिसीव वाला, यानी कि किस किस से हमने पैसा लिया है, किस मूवी के टाइम पे लिया, अब ये रेंट है,
की अदर है, अदर अमाउंट है, हमने इसी का ही नोट कर लेते हैं। रमेश का कितना अमाउंट रिसीव किए, 1500 रिसीव क्यों किए, रिटर्न कंस्ट्रक्शन अमाउंट, ठीक है, सेव हो गया। यहाँ पे देखिए आपका एक्सपेंस जो रिकॉर्ड पेज है उसका, तो उसमें आपका एक्सपेंस पे रिसीव तीनों का अलग अलग शो कर रहा है। हम चाहें तो इसको सर्च भी इसका कर सकते हैं कि एक्सपेंस का सिर्फ देखना है तो एक्सपेंस में कितना सारा अमाउंट हुआ है, यहाँ पे पूरा चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के साथ। उसके बाद हमारा आता है स्टाफ अटेंडेंस, जितने भी स्टाफ्स हैं उनका अटेंडेंस लेने के लिए। जैसे ये सब हमारे स्टाफ है मान, इसमें से ये दोनों अब्सेंट हैं आज के डेट पे। अब्सेंट पे चेक करेंगे तो एक कैलेंडर ओपन होगा, इसमें मान लीजिए जैसे जैसे आज 30 तारीख है, आज के दिन तो अब्सेंट हैं, लेकिन वो बोले हैं कि मैं 2-3 दिन और अब्सेंट रहूँगा, तो आप डायरेक्ट यहीं पे डाल सकते हैं 2-3 दिन और अब्सेंट, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, अब 3 दिन का उनका अब्सेंट एक ही साथ लग गया, ठीक है, और इनका क्या है, आज हाफ अटेंडेंस है। और रिमार्क में यहाँ पे लिख सकते हैं डेज लीव अर्जेंट वर्क, ठीक है, ये हमारा आज का अटेंडेंस और 3 दिन का उसका भी लग गया। अब हमें कैलेंडर में चेक करना है, तो डिस्प्ले में जाके कैलेंडर वाइज अटेंडेंस, यहाँ पे मंथ, अब ये देखिए यहाँ पे उनका पूरा अटेंडेंस, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा कि उनको रिमार्क में क्या लिखा हुआ है। आप अटेंडेंस के टाइम उनके रिमार्क में कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे इसमें भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, बाकी उनका प्रेजेंट, अब यहाँ पे देखिए नीचे हम शो कर रहे हैं कि अक्टूबर मंथ में अभी तक उनका 3 दिन प्रेजेंट लगा है, 3 दिन एब्सेंट और एक हाफ अटेंडेंस, बाकी दिन का अटेंडेंस नहीं लिया गया है, ठीक है। उसके बाद सैलरी, स्टाफ सैलरी नेम सेलेक्ट कर लेंगे, सर्च, अब यहाँ पे देखिए उनका पूरा अमाउंट लिखा हुआ है, उनका नेम डिटेल्स, तो यहाँ पे पूरा चेक कर सकते हैं। मंथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस मंथ का अमाउंट हुआ, इनका सैलरी पर डे 6000 डाला हुआ है, तो उनके हिसाब से 31 डेज़ का यहाँ पे अमाउंट शो कर रहा है सैलरी, उसमें से उन्होंने कितना पे किया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नोट कर सकते हैं कि उनका जो अमाउंट डिडक्ट हुआ है वो किस लिए हुआ है, ठीक है। लास्ट में उसके बाद आपका है फ़ोन बुक, यहाँ पे जैसे मोबाइल पे कॉन्टेक्ट सेव करके रखते हैं, सेम एज इट इज़ नाम उनका कॉन्टेक्ट नंबर सेव करके रख सकते हैं। उसके बाद मेन आता है आपका उनका रिपोर्ट्स, डिस्प्ले में आपका सेल रिपोर्ट मिलेगा, इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, मूवी वाइज रिपोर्ट, डेट वाइज, क्लास वाइज, शो टाइम वाइज और वीक वाइज रिपोर्ट। मूवी वाइज में यहाँ पे मूवी का नेम सेलेक्ट करके शो करेंगे तो उनका जितना भी शो चला है अभी तक का यहाँ पे पूरा शो करेगा। इसमें आपका डिटेल्स में शो कर रहा है सोल्ड टिकट्स, कितना सारा टिकट सोल्ड हुआ है, उसका कितना अमाउंट हुआ, बुक माई शो में कितना टिकट सोल्ड हुआ है उसका कितना अमाउंट हुआ है, और अनसोल्ड टिकट कितना सारा हुआ है और उसका कितना अमाउंट है। ये देखिए टोटल आपको शो कर रहे हैं सेम एज इट इज़, बाकी सब में मिल जाएगा डेट वाइज में, क्लास वाइज में, शो टाइम वाइज और वीक वाइज रिपोर्ट में। उसके बाद है आपका रिपोर्ट, रिपोर्ट के अंदर डेली रिपोर्ट के अंदर आपको 4-5 ऑप्शन मिलेंगे, डेली इनकम एक्सपेंस रिपोर्ट, पर डे का रिकॉर्ड, इसमें हमारा 12 बजे के शो में रो ए में ओपनिंग सीरियल नंबर कितना था और क्लोजिंग सीरियल नंबर कितना है, टोटल सोल्ड टिकट्स कितना रुपए के हिसाब से बिका और टोटल अमाउंट, उस दिन एक्सपेंस कितना हुआ, टोटल सेविंग यानी कि कितना हमारे पास बचा। अब देखिए 1620 रुपये का हमारा आज के रेट पे सोल्ड हुआ है, लेकिन हमारा एक्सपेंस कितना हो गया है 20,000 का, टोटल हमारे पास कितना है, लेकिन नेगेटिव पे चल रहे हैं आज के डेट पे, ठीक है। इसमें कैंटीन का, पार्किंग का सब ऐड होकर पूरा शो करता है।
उसके बाद है आपका DCR रिपोर्ट यानी कि डेली कलेक्शन रिपोर्ट आपका। डेट सेलेक्ट करेंगे, मूवी का नाम देखिए उस डेट के हिसाब से कितना रेट पड़ रहा है, यहाँ पे सब नोट है। प्लेटिनम है हमारे कितना सोल्ड हुआ 9 बजे के शो में, हम उसको नोट कर लिए। डायमंड में, गोल्डन में और सिल्वर में, इस तरीके से हम सभी क्लास का सभी शो टाइम के लिए नोट करके रख लेंगे। अब फिर हमारा आता है यहाँ पे प्लेटिनम क्लास का कितना रुपये हमने टिकट रेट लगाया हुआ है, टिकट रेट यहाँ पे नोट कर लेंगे 150। बाकी आप चार्ज या टैक्स वगैरह जो चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लास्ट में हमारा है डिडक्शन, आज के डेट में हमारा कितना डिडक्ट हुआ, INR में मान लीजिए 2000 रुपये हुआ। देखिए पब्लिसिटी में हमारा 500-350 रुपये खर्चा हुआ, रिप्रेजेंटेटिव के लिए हमने 500 रुपये दिया। ये का सेव करके हमारा टोटल नेट अमाउंट हमारा बना 3068 रुपये, देन सेव कर सकते हैं। अब इसका प्रिंट फॉर्मेट भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्लेटिनम क्लास का 150 रुपये के हिसाब से टोटल 10 टिकट का इतना रुपये पड़ा, ये लास्ट में आपका एक दिन का। इस पेज में हम 7 दिन का पूरा डिटेल्स एक साथ निकाल सकते हैं, वो कैसे चेक करेंगे। रिकॉर्ड पेज में हम डेट डालेंगे जिस दिन से हमारा स्टार्ट हुआ था और जिस दिन तक का हमने DCR बनाया हुआ है, फिर मूवी का नाम, देन सर्च। तो देखिए हमने इसमें एक ही रिकॉर्ड अभी ऐड किया इसलिए एक शो कर रहा है, फिर 7ों दिन का यहाँ पे 7 शो करेगा आपका। डिटेल रिपोर्ट में चेक करेंगे यहाँ पे डेट बाय डेट आपका कौन सा डेट था कौन सा डे था ये सब पूरा शो करेगा। लास्ट में यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद है आपका CADCR, डेट ड्यूरेशन आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा मूवी चला, कितना DCR बना, टैक्स कितना पड़ा, सर्विस चार्ज अमाउंट, इनवॉइस नंबर, बिल का है, आप पूरा यहाँ पे बना के अपने CEO को दे सकते हैं। इसके बाद है आपका इनकम टैक्स का सेम एज इट इज यहाँ पे भी बना के रख सकते हैं आप मूवी नेम के हिसाब से। GST के लिए एक फॉर्म के अंदर पे जितना सारा आपका खर्चा हुआ इनकम हुआ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। टैक्स जैसा आप चाहें यहाँ पे आप बना के डाल सकते हैं। एड्रो इनकम मंथली कितना हुआ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। परचेस का आपका कितना सारा है आप यहाँ पे पूरा डिटेल्स डाल सकते हैं। टोटल GST यहाँ पे शो करेगा कितना आपको पे करना है, इससे आपको पता चलेगा कि CGST और SGST हमें सेल के टाइम पे कितना देना है और यहाँ पे हमारा होगा IGST हमारा कितना रिटर्न होगा। तो यहाँ पे टोटल आप उसको ऐड करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद लेजर आपका पर डे का किससे देखना है, इसे हमने क्या किया ए फिल्म से सर्च। यहाँ पे देखिए हमारा ट्रांजेक्शन आईडी अगर यहाँ पे नोट किए रहेंगे ट्रांजेक्शन डिस्ट्रीब्यूटर रिकॉर्ड में यहाँ पे शो करेगा कितना है, जिसे हमने इसका 3 दिन का देखना है सर्च। अब देखिए इसमें हमारा शो कर रहा है, एक बार हमने 10,000 पे किया कब 30 तारीख को, 31 तारीख को हमारा 31,500, टोटल हमारा था 40,000 का। ठीक है, उसके बाद हमारा डे बुक पर डे का रिकॉर्ड सीट वाइज हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड आपको यहाँ मिल जाएगा, कितना पे करना था कितना रिसीव हुआ है ये सब। उसके बाद है आपका रिपोर्ट्स में ईयरली रिपोर्ट, इसमें आपका शो का पार्किंग का कैंटीन का एक्सपेंस का
डिस्ट्रीब्यूटर रिसीव कितना हुआ, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर चेक करना है पूरा तो इसमें क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा अमाउंट कितने का है, कहाँ कहाँ से मिला हमें, ये पूरा चेक कर सकते हैं आप। उसके बाद डिस्प्ले में आपका मंथली रिपोर्ट, इसमें आपको ओपनिंग सीरियल नंबर, क्लोजिंग सीरियल नंबर के साथ पूरा मंथ का रिकॉर्ड एक साथ मिल जाएगा। डेट ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे फिर आपको पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा यहाँ पे। मूवी वाइज रिपोर्ट में जैसे ही एक मूवी कंप्लीट हो जाता है हमारा, तो हम मूवी का नेम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उस मूवी से कितना सारा हमारा इनकम हुआ है, जैसे शो इनकम हमारे 1620 रुपये, पार्किंग के कैंटीन का टोटल इनकम अमाउंट। अगर उस मूवी के दौरान हमें कुछ डोनेशन मिला है तो हम यहाँ पर उसको नोट करके रख सकते हैं। उसके बाद आपका बिल पेमेंट, एजेंट का बिल, ये हमारा एक्सपेंस में आएगा। यहाँ पे आप पूरा एक मूवी का कंप्लीट रिकॉर्ड देख सकते हैं और कितना उस मूवी से आपके पास इनकम हुआ या फिर बैलेंस बचा, ये डाल के आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद है बुक टिकट हिस्ट्री, जो हमने टिकट में टिकट लिया था, अनसोल्ड रिकॉर्ड, कैलेंडर बेस्ड अटेंडेंस रिपोर्ट, बुक बाय शो रिपोर्ट, सीट लिस्ट का अमाउंट। मैनेज में है आपका डेटा बैकअप, इसमें आपको लोकल ड्राइव बैकअप और क्लाउड या फिर ईमेल बैकअप मिलेगा आपको, और मल्टीपल बैकअप के लिए मल्टीपल पाथ सिलेक्शन भी है। क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कहाँ कहाँ आपका पाथ सेव हो रहा है, यानी कि जैसे आप एक मूवी सोल्ड करते हैं तो उसका एक रिकॉर्ड आपके मेन सिस्टम पे होगा, और अगर दूसरे सिस्टम पे आप रखना चाहेंगे तो वहाँ पे भी सेव होता रहेगा। उसके बाद है डेटा अगर रिस्टोर करना है तो यहाँ पे आप रिस्टोर कर सकते हैं। उसके बाद यूज़र कंट्रोल, जैसे ये सब हमारे फीचर्स हैं सॉफ्टवेयर के, तो इसमें से कौन कौन सा फीचर आप सामने वाले पर्सन या फिर अपने ऑपरेटर को देना चाहते हैं, जैसे उनको वो क्लास प्राइस चेंज कर सकें, शो टाइम चेंज कर सकें, मूवी का एंट्री कर सकें, टिकट बुकिंग रिकॉर्ड कर सकें यानी कि टिकट सोल्ड वगैरह कर सकें, कैंटीन का एंट्री कर सकें, उसके बाद आपका सीट लिस्ट अमाउंट चेक कर सकें, टिकट अनसोल्ड करने का भी अगर उनको कंट्रोल देना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं उसको। और उनके लिए पार्किंग का रिकॉर्ड ऐड कर सकें, तो ये सब चेक करके उनका नाम लिख के, पोजीशन डाल के, यूज़र नेम दे के, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड ये सब करके आप सेव कर सकते हैं लास्ट में। अब इनके लिए लॉगिन का आपका लॉग आउट करेंगे तो यूज़र पैनल से फिर लॉगिन कर सकते हैं। ईमेल सेटअप से एसएमएस के लिए है, जैसे प्री बुक करते हैं तो उस टाइम एसएमएस सामने वाले पर्सन को भेज सकते हैं कि आपका ये सीट बुक हुआ है आपके नाम से करके, 3 सीट फिर 4 सीट जितना उन्होंने बुक कराया है, फिर जब आएंगे तो उनको फिर मैसेज दिखा के आप चेक कर सकते हैं, या फैसिलिटीज जितना आप देना चाहते हैं एसएमएस उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जैसे वॉलपेपर चेंज करना है, यूज़र नेम पासवर्ड चेंज करना है, लॉग रिपोर्ट चेक करना है कि किस टाइम पे क्या क्या हमने चेक किया, जैसे हमने अभी तक क्या क्या किया, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके टूल्स में एसएमएस का बैलेंस चेक करने के लिए, मैसेज भेजने के लिए, रिमाइंडर सेट करने के लिए, कैलकुलेटर, नोटपैड, लॉगआउट और हेल्प में कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, शॉर्टकट कीज, रिमोट कंट्रोल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अबाउट कंपनी।